नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। द बर्थ 10,000 BC, ये एक अपकमिंग कन्नड़ा मूवी है जो आपको कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सारे लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी लिखा हूँ कि डोंट रिलीज़ इन हिंदी प्लीज़, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि ये मूवी हिंदी में रिलीज़ हो। उसके रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके ट्रेलर की, जिसमें हमें नज़र आते हैं प्रताप राणा एज मेन लीड। मैंने इस एक्टर के बारे में आज से पहले नहीं सुना है। खैर, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम। खैर, IMDb में इस मूवी के प्लॉट को इस तरह से लिखा है कि इट्स अ प्री हिस्टोरिक एक्शन एडवेंचर अबाउट ए अननोन लेजेंड, हिज एपिक जर्नी टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड एंड आवर इंटरपोलेटेड डेस्टिनी। ये तो इस मूवी का प्लॉट है। लेकिन जब मैंने इस मूवी के ट्रेलर को देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोच रहा था कि यार आनंद ऑडियो पे यार मोस्टली कन्नड़ा मूवीज के ही ट्रेलर, मोस्टली क्या सारे कन्नड़ा मूवीज के ही ट्रेलर आते, तो ये हॉलीवुड की मूवी का ट्रेलर कैसे आ गया? क्योंकि यार द बर्थ 10,000 BC लिखा हुआ, प्लस जो जो विजुअल्स बता रहे हैं और जिस तरीके से एक सर्वाइवल, मतलब एक इंसान किसी एक आइलैंड पे, फिर वहाँ से वो किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, मतलब बेसिकली ट्रेलर देखकर ऐसे कुछ फीलिंग आती है। और हमने आज तक हॉलीवुड की मूवीज़ में ये सारी चीज़ें देखी है, तो इस हिसाब से मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा था कि ये कोई हमारी इंडियन मूवी है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे मैं एक्टर को देखा, फिर जब मैं इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये एक कन्नड़ा मूवी है। तो अब आप लोग सोचो कि जो इंसान इतनी मूवीज़ और सीरीज़ देखता है वो धोखा खा सकता है, तो फिर एक नॉर्मल इंसान जब इसका ट्रेलर देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि ये हॉलीवुड मूवी है और ये एक जीत है। क्योंकि मानो या ना मानो, हॉलीवुड वाले जो मूवीज़ बनाते हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन बनाते हैं, वो बहुत ही आगे की सोच रख के बनाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब फाइनली जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं, स्पेशली साउथ वाले, अब उस तरह की मूवीज़ बना रहे जो सीधा सीधा टक्कर दे सकती है, और ये पर्टिकुलर मूवी भी उन्हीं में से एक है। इसके ट्रेलर में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा, एक बढ़िया सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, गजब के विजुअल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा BGM सुनने को मिलेगा जो मतलब आपको एक अलग यूनिवर्स में लेके जाता है। जब एक कन्नड़ा मूवी में मैं इस तरीके की चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं सपोर्ट करता हूँ दिल से द बर्थ 10,000 BC की टीम को। और ट्रेलर देखकर मैं ये फील भी कर सकता हूँ कि यार पूरी टीम का जो एफर्ट्स है वो आपको नज़र आता है। और इस तरह की मूवीज़ को अगर ऑडियंस ना देखे तो उनसे बड़ा CP मेरे नज़र में कोई नहीं है। और रही बात हिंदी ऑडियंस की, तो देखिए हिंदी ऑडियंस ना पहले, ना आज, ना आने वाले कल इस तरह की मूवीज़ को डिजर्व नहीं करती। क्योंकि अगर आप लोग ये मूवी थिएटर में भी रिलीज़ करोगे ना तो एकदम ना के बराबर पब्लिक देखेगी, क्योंकि उनको सलमान, शाहरुख, रणबीर, टाइगर, बस इन्हीं की मूवीज़ देखनी है। लेकिन जो मूवी में कंटेंट हो सारे उससे बहुत दूर भागते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको डोंट रिलीज़ इन हिंदी, क्योंकि जो ऑडियंस डिजर्व नहीं करते उनको वो सारी चीज़ें क्यों देने का। लेकिन मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर मूवी सारे के सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी, और जितना इसके ट्रेलर में डम है, अगर वाकई में मूवी उसी कैलिबर की होगी ना, तो कहना पड़ेगा कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी उस लेवल की इमेजिनेशन रखते हैं, उनके पास भी वो विजनरी है जो लोग एक ऐसी मूवीज़ लाकर आपके सामने रख सकते हैं जो वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह बना सके। मैं बेस्ट ऑफ लक ही बोलूँगा पूरी की पूरी टीम, द बर्थ 10,000 टीम को, और एक्टर प्रताप राणा और डायरेक्टर विक्रम को, कि यार बहुत ही अच्छी कोशिश की है और ये कोशिश आप लोगों की रंग लाया, मैं सपोर्ट करूंगा। और इस ट्रेलर के बाद इस मूवी से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उसको शेयर करना चाहिए तो मैं अपने ऑडियंस से ज़रूर शेयर करूंगा। ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, और आप लोग मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, इसमें व्यूज़ भी इतने आते नहीं, तो पेड तो छोड़ ही दो, जो भी है दिल से करता हूँ। तो बस आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को दबा के शेयर करो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।